एक्सेल में आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो थोड़ा छोड़ दीजिए, आप लोगों को नॉलेज का जरूरत भी नहीं है तो मेरा वीडियो को आप फॉलो कीजिए, तो एक्सेल में आप लोग बेस नॉलेज देंगे आप लोग। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग कैसे एक्सेल को पूरा काम सीखेंगे। तो पहले से शुरू से जिसको एक्सेल का कुछ भी नहीं पता है वो पूरा सीख जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले हम एक्सेल को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी है एक्सेल 2010, तो इसी से ही आप लोगों को सिखाएंगे। तो एक्सेल के बारे में आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आप लोगों को पहले सीखना है जो एक्सेल में क्या क्या फीचर्स है, उसमें क्या क्या आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो, कौन सा सिंबल से आप कौन सा काम कर सकते हो, वो चीज़ सिखाएंगे सिर्फ आप लोगों को अभी। तो दोस्तों आज जानते हैं जो इसमें जो भी आप लोग काम करेंगे, तो काम के पहले आप लोगों को कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ जो आप लोग काम करने के लिए बहुत इजी होगा। तो जो भी एक्सेल के बारे में जिसको भी अभी तक कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उसको पहले जानना जरूरी है जे इसके अंदर क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या है, तो उसी के बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले ही है हमारा होम, तो होम इधर ही है। देखिए अभी इसको दोस्तों देखिए जो होम है, होम में क्या क्या चीज़ है तो वो आप लोगों को पहले सिखा देता हूँ। तो पहले ही है पेस्ट, जो आप लोग कुछ भी मान लीजिए इधर 5 डाला है, अभी इसको कुछ भी चीज लिखा है तो इसको आप लोगों को कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल सी से। अगर कंट्रोल सी ये शॉर्ट की है तो शॉर्ट की को आप लोगों को पहले यूज नहीं करना चाहिए, पहले ये फॉर्मेट को पूरा जो भी है फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप लोग देख लीजिए, इस फॉर्मेट से ही आप लोग करना है। तो हम पहले शॉर्ट की यूज नहीं करेंगे, तो शॉर्ट की इसके जगह हम करेंगे ये 5 के जगह के ऊपर क्लिक करके इधर कॉपी करना है और कहीं पे एक जगह क्लिक करके देखिए कॉपी हो गया। उसके बाद देखिए ये पेस्ट वाला ऑप्शन है तो इसको हमें पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये जो 5 था ये 5 इधर आ गया। तो इसी तरह आप लोग ये कॉपी पेस्ट इधर जो सिंबल है इस सिंबल से आप लोग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन देखा था आप लोगों को, एक कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन हो गया आपका। अभी देखा था वो काट, जो भी नंबर है मान लीजिए इधर 1500, तो इसको आप लोगों को इधर नहीं रखना है, इसको आप लोगों को रखना है इस जगह में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको काट करना है, तब आप लोगों को काट यूज करना है। तो काट देखिए इधर काट कर देता हूँ, उसके बाद इधर हम फिर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इधर से काट होके इधर पूरा पेस्ट हो गया। तो ए कॉपी काट और पेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया अभी। तो फॉर्मेट पेंटर को आप लोगों को इतना जरूरत नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए इधर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इसको इसको जो हम अभी बोल्ड करेंगे, तो बोल्ड कैसे करेंगे, ए बी बी मतलब बोल्ड। देखिए जब क्लिक करते ही देखिए बोल्ड हो गया, तो वो बोल्ड वाला ऑप्शन निकाल लेता हूँ। देखिए ये नॉर्मल था, अभी इसको बोल्ड देखिए बोल्ड हो गया। अभी इसको हम इटाली में करेंगे, तो इटाली में थोड़ा देखिए 13 हो गया। तो ए वाला ऑप्शन इन लोगों के लिए है, जिसको बोल्ड करना है तो बी में बोल्ड करना है। उसके बाद यू क्या है, यू अंडरलाइन। तो इसके नीचे अगर कुछ भी हम इधर लिखेंगे, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो मान लीजिए हम इधर एक अंडरलाइन देंगे। तो अंडरलाइन कैसे देंगे, तो ये वाला क्लिक करके हम देखिए इधर अंडरलाइन आ गया, इसको भी थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ये अंडरलाइन दे दिया। तो अंडरलाइन फिर से निकाल देता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों,
देखिए इसका जो हम टाइप चेंज करेंगे, तो टाइप कैसे चेंज करेंगे, इसका जो लिखा है स्टाइल चेंज करने के लिए देखिए ये बहुत सारा ऑप्शन है, तो इधर जाके आप लोग जो भी लेटर है लेटर का आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो, तो इधर सिलेक्ट करके। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी अगर मान लीजिए ये हम लिखा है स्टार पॉइंट, तो इस लिखा को हम बड़ा या छोटा करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, इसके ऊपर जाके तो देखिए पहले कुछ भी चीज आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले आप लोगों को समझना है जो आपका कौन सा चीज को ये लोग चेंज करेगा। तो एक्सेल को तो मालूम नहीं है जो वो कौन सा चीज आप लोगों को कौन सा चीज आप लोग चेंज करना चाहते हो, तो पहले ही एक्सेल में जाके बोलने के बाद वही चीज के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है जो आप लोगों को चेंज करना होगा। तो उससे से पहले हम क्लिक करते हैं, देखिए इधर क्लिक कर दिया, इधर इधर क्लिक करने के बाद देखिए हम बड़ा या छोटा करेंगे फॉन्ट, तो इसको ए साइज देखिए दे सकते हो। उसके बाद इसको अगर चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हो इधर कितना देना चाहते हो, तो मैं इधर लिख देता हूँ 18, तो 18 का अंदर मेरा आ गया। तो उसके बाद आप लोग यही देख के आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अभी, ए बड़ा छोटा, अगर थोड़ा बड़ा चाहिए थोड़ा छोटा चाहिए तो आप लोगों को देखिए ए वाला जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो इसी से भी बड़ा या छोटा होता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या कर देखेंगे पेंट, तो ए पेंट कहाँ यूज होता है, तो देखिए ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड के लिए स्टार पॉइंट लिखा है, ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आप लोग अगर पेंट करना है मतलब कलर करना है तो आप लोग इसी से बैकग्राउंड कलर कर सकते हो। देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया, अभी ये जो हमारा लिखा है जो लेटर है वो अभी तक कुछ भी कलर नहीं हुआ है, तो इसको भी हम कलर कैसे चेंज करेंगे, तो ए वाला ऑप्शन से इसको देखिए हम कर देते हैं, देखिए बहुत सारा कलर है, तो इस कलर में जाके आप लोग देख सकते हो आप लोगों को कौन सा कलर चाहिए। तो मैं इधर रेड कर देता हूँ, तो इधर रेड कर दिया। अभी देखिए ए वाला पोर्शन हम लोगों को समझ में आ गया, तो इसके बाद तो अभी इस चीज के बारे में हम समझ गए। अभी दूसरा ए जो वाला पोर्शन है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो अलाइनमेंट पहले वाला ऑप्शन क्या है, टॉप अलाइन, टॉप अलाइन मतलब ए अलाइन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो टॉप अलाइन को हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज को हम क्लिक कर दिए, अभी ये टॉप अलाइन मतलब ऊपर में रहेगा ये सिर्फ, देखिए ये ऊपर में है सबसे। अभी क्या करना है, अभी टॉप अलाइनमेंट क्लिक करने के बाद देखिए इस जो अलाइनमेंट है तो ये बहुत ज़रा अगर आप लोगों को लिखा है मतलब मान लीजिए मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, इधर कुछ भी लिख देता हूँ, तो हमारा जो ए लिखा है ए लिखा ए इस साइड में रहेगा, अगर देखिए हम इस साइड में कर देंगे तो इस साइड में आ गया। अभी ये अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज करना है आप लोगों को देखना है अलाइनमेंट, देखिए बीच में कर दिया तो बीच में आ गया, अभी ये थोड़ा मिडिल में करेंगे तो मिडिल में आएगा, और इसको भी डाउन में करेंगे तो डाउन में रहेगा। ये टॉप अलाइनमेंट, ये मिडिल अलाइनमेंट और ये बॉटम अलाइनमेंट, मतलब ये तीनों अलाइनमेंट, और ये है ये जो है ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से आप लोग लिखेंगे तो होगा ये सेंटर और ए राइट अलाइन, तो अलाइनमेंट ए हो गया। अभी देखिए ए वाला ऑप्शन क्या है, ए बी, तो हम कुछ ही चीज को अगर हम इसको कर देते हैं, देखिए ये वाला थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, देखिए हमें अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो ए वाला ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए एंगल, ए प्लेन है अभी हमारा, अभी इसको एंगल कर देते हैं, तो अभी बहुत सारा अलाइनमेंट है आप लोग चेक कर सकते हो। इस वाला जो ऑप्शन है देखिए हम इधर ए वार्प टेक्स आप कैसे करेंगे, तो कुछ भी चीज आप लोगों को लिखेंगे मतलब मान लीजिए मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ,
अभी इसको ये जो कलम है, इस कलम को हम बड़ा नहीं करेंगे, इस कलम ये इतना ही रहेगा, लेकिन ये जो चीज है स्पेस के बाद वो चीज को हम नीचे लाएंगे तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो उसी तो इसके ऊपर क्लिक करके आप वर्टेक्स करेंगे, देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया। अभी दोस्तों ये दूसरा के मार्ज एंड सेंटर, तो इसको हम कैसे करेंगे, कोई भी चीज को अगर मान लीजिए ये आपका एक कलम हो गया, एक दूसरा एक रो, दूसरा रो तीसरा रो, तो तीसरा तीनों रो को आप लोगों को एक रो में लाना है, तो आप लोग मार्च करने से आपका देखिए एक एक ही रो हो गया, तो मार्च करने से आपका एक ही रो हो जाता है। बार मार्च को आप निकाल देने से आपको फिर से वही वाला तीन रो था, जो वो तीन रो ही रहेगा। तो ए अलाइन के बारे में भी हम लोग जान गए। अभी दोस्तों मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी इतना ही रहने देता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और भी बहुत जानकारी मिलेगा आप लोगों को। तो मेरा वीडियो को आप लोगों को देखते रहिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।